आईपीएल में पहली बार खेलेगा ये आदिवासी क्रिकेटर, खड़े खड़े मारता है लंबे लंबे छक्के। इतने करोड़ में इस टीम ने खरीदा रातों रात चमकी किस्मत। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से आईपीएल में पहली बार खेलने जा रहा है ये आदिवासी क्रिकेटर जो कि खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के मारता है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं अपनी फेवरेट आईपीएल टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2024 का बिगुल बज चुका है। हाल ही में आईपीएल का ऑक्शन हुआ जहां पर दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बड़ी बड़ी बोलियां लगी। 19 दिसंबर को हुए इस ऑक्शन में दोस्तों कई टीमों के लिए काफी अच्छा ऑक्शन रहा तो कई टीमों के लिए दोस्तों ऑक्शन थोड़ा सा बुरा भी रहा। लेकिन दोस्तों ऑक्शन खत्म हो चुका है और अब इंडियन प्रीमियर लीग के लिए उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। 2024 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए यहां पर दोस्तों जब ऑक्शन हो रहा था तो उसमें एक ऐसे खिलाड़ी का नाम आया जिस खिलाड़ी को यहां पर दोस्तों कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों 20 लाख के बेस प्राइज की वजह से भी दोस्तों इस फिल्म ने यहां पर दोस्तों इस खिलाड़ी ने करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए के यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से बोली लगवा दी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस की टीम में दोस्तों रॉबिन मिज नाम के एक विकेटकीपर बल्लेबाज को यहां पर दोस्तों खरीदा गया है। रॉबिन पहले आदिवासी क्रिकेटर है जिन पर किसी फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई। रॉबिन झारखंड के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं और आईपीएल के ऑक्शन में वह 20 लाख के ब्रेस प्राइज के साथ उतरे थे। ऑक्शन में उनका नाम आते ही सबसे पहली बोली चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से लगाई गई। सीएसके के बाद मुंबई ने भी इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी थी। मुंबई और सीएसके के बीच 1 करोड़ 30 लाख की बोली लगाई गई, लेकिन तभी बिड में गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी एंट्री मार दी। गुजरात ने रॉबिन पर 1 करोड़ 40 लाख की बोली लगा दी। इसके बाद बिड और आगे बढ़ गई, लेकिन मुंबई यहां पर 2 करोड़ 60 लाख की बोली के बाद पीछे हटने का फैसला कर लेती है। ऐसा लगने लगा कि अब बोली समाप्त हो जाएगी, लेकिन तभी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बीच में आकर कूद गई। हैदराबाद ने रॉबिन पर 2 बार बोली लगाई, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम डटी रही। आखिरी बोली 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लगा कर गुजरात टाइटंस ने इस आदिवासी खिलाड़ी की किस्मत को चमका दिया। ऐसे में रॉबिन ऐसे पहले आदिवासी क्रिकेटर बन गए हैं जिन पर आईपीएल ऑक्शन में बोली लगाई गई है और वो भी यहां पर दोस्तों 3 करोड़ से ज्यादा के रकम में यहां पर दोस्तों बिके हैं। बात करें रॉबिन की तो रॉबिन में झारखंड के गुमला जिले के हैं। बाएं हाथ का यह विकेटकीपर बल्लेबाज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानता है। मिन अनुभवी कोच चंचल भट्टाचार्य की देखरेख में क्रिकेट गुर सीख रहे हैं। चंचल धोनी के भी मेंटोर रह चुके हैं। मिज पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब वह मुंबई इंडियंस के कैंप में हिस्सा लेने इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए थे। हालांकि मिज अभी तक झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में मैदान पर नहीं उतरे हैं, लेकिन वह स्टेट टीम के अंडर 19 और अंडर 25 में यहां पर दोस्तों खेल चुके हैं और अपना कमाल भी दिखा चुके हैं। मिज के पिता दोस्तों आर्मी रिटायर्ड है और दोस्तों मिज की बात कर तो काफी लंबे छक्के चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं। एमएस धोनी की शैली में ही बल्लेबाजी करते हैं, यानी दोस्तों गेंद को ग्राउंड के बाहर पहुंचाना इनकी भी बड़ी हॉबी है। आपको क्या लगता है मिज के आईपीएल में कमाल कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।